हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं यहाँ पर। और इस कड़ी में अभी तक हमने पार्ट 8 कर लिया है कवर, और ये है हमारा पार्ट 9। तो देखते हैं पार्ट 9 के अंदर कौन कौन से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन, जैसे कि हम बात करें जनवरी के महीने में, आपका जनवरी में जीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होना है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का, एंड फेब में आपका बीपीएससी होना है बीपीएससी, एंड छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम है वो कंडक्ट होना है। तो उनके लिए बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो हमारा इस पर्टिकुलर सेक्शन का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन स्वेज कैनाल रीजन, स्वेज कैनाल की जब हम बात करते हैं तो स्वेज कैनाल आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट और सऊदी अरेबिया वाला जो एरिया है वहाँ पर, ठीक है। बेसिकली अगर जो हम बात करें यहाँ पर, ये एक सी वाटर वे है, सी लेवल वाटर वे है, आर्टिफिशियली कनेक्ट किया गया है बेसिकली, और ये बनता है कहाँ पर? इजिप्ट के पास में, ठीक है। इजिप्ट के पास में आपको देखने को मिलेगा, और ये कनेक्ट करता है, स्वेज कैनाल जो है बेसिकली ये कनेक्ट करता है दो सीज को, ओशियंस को बेसिकली। एक है मेडिटेरियन सी, और साथ में ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी और रेड सी को, लाल सागर और मेडिटेरियन सी, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। और एक तरीके से ये भी कहा जाए कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका और एशिया, इनके बॉर्डर लाइन को भी एक तरीके से डिटरमाइन करने का काम जो है ये स्वेज कैनाल करता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ पर स्वेज कैनाल के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण के डायरेक्शन में, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपको लेक्स के नाम दिए गए हैं, तो इन लेक्स को आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन कौन सी लेक्स जो है बेसिकली वो आती है यहाँ पर। तो देखिए सबसे ऊपर में जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर लेक मंजला, ठीक है, दैट इज लेक मंजला आपको सबसे ऊपर मिलेगी। उसके बाद मिलेगी तिमसा, दैट इज सेकेंड नंबर पे आपको मिलेगी तिमसा, देन आएगी ग्रेट बिटर लेक आपकी मिलेगी, एंड लास्ट में आएगी लिटिल बिटर, लिटिल बिटर। तो देखिए मंजिला, दैट इज लेक मंजिला यहाँ पर आ रहा है, देखिए पहले में नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। सी और डी में हम बात करते हैं लेक मंजिला, देन इसके बाद आता है लेक तिमसा, तो हमने तिमसा की बात करी, ग्रेट बिटर लेक एंड देन लिटिल बिटर लेक, इनका नाम आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Which of the following pair is correctly is not correctly matched? इनमें से कौन सा जो pair है वो incorrectly matched है? तो देखिए पहला जो है Cleveland, Cleveland जो है ये iron और steel के उत्पाद के लिए जाना जाता है, तो ये आपका जो correct option है यहाँ पर। Detroit जो है motor cars के लिए famous place है। Massibee range, ये देखिए coal field के लिए नहीं है ये, basically Massibee जो range है ये आपका फेमस है फॉर द आयरन ओर्स के लिए, आयरन ओर्स के लिए काफी फेमस प्लेस है, और ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पर? दिस इज इन द अमेरिका, अमेरिका के अंदर आपको ये मिसाबी रेंज जो आपको देखने को मिलती है। तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट का आंसर हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, फिलाडेल्फिया जो है ये आपका शिप बिल्डिंग के लिए फेमस प्लेस है, तो बाकी करेक्ट मैच है। इनकरेक्ट पूछा था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ये एक assertion reason का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए assertion में पूछा है, पाकिस्तान has more racial and ethical diversity than the बांग्लादेश। हिंदी में समझते हैं इस चीज को, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। बिल्कुल ये बात सही है आपकी, तो assertion आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, assertion करेक्ट है। चलिए फिर हम रीजन की तरफ पढ़ते हैं। पंजाबी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी नहीं है, ये है उर्दू, उर्दू यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाब की। वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक्स उर्दू, नहीं देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वहाँ पर बात करते हैं पंजाबी लैंग्वेज के अंदर, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर। देखिए पंजाब का एक जो हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, जो एक अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान हुआ करता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अब के जो पाकिस्तान है, पेशावर, इन सब जगहों पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो
वहां पर बहुत सारी जो जो लोग हैं वो भाषा है वो पंजाबी है बेसिकली, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी उर्दू है और जो बहुत सारे लोग वहां पर बात करते हैं जिस भाषा में, दैट इज द पंजाबी लैंग्वेज। तो वर्ड्स यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए गए हैं, तो ये आपका जो रीजन है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपका असर्शन सही है, तो दैट इज असर्शन सी, मतलब ए सही है और आर इज द इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सूचियां दी गई हैं, एक है जातीय समूह की, एथिक ग्रुप्स की, और दूसरी है देश की, मतलब ये जो समूह है ये किस देश में पाए जाते हैं, इसको आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है। तो उसके बाद फिर आपको कोडिंग करनी है, तो मैंने कोडिंग यहाँ पर क्या है नहीं बनाई है, तो कोडिंग को हम बाद में देखते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या कोड होगा यहाँ पर। तो देखिए ज्यूस जो है, ज्यूस बेसिकली यहूदी को कहते हैं, यहूदी, ठीक है। यहूदी समुदाय जो है या जाति जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है इसराइल के अंदर, ठीक है। दैट इज इन द इसराइल, कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देखिए ज्यूस दैट इज इन इसराइल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाता है आपका ए के साथ जाता है 4, बी यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी एंड देन डी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टेडा, टेडा समुदाय जो है ये आपको देखने को मिलता है इन द लीबिया के अंदर, ठीक है, दैट इज इन 3, बी का हो जाता है 3। नेक्स्ट है बेजा, तो देखिए टेडा को आप कर लीजिए लीबिया के साथ, और बेजा जो है ये आपको देखने को मिलता है इजिप्ट के अंदर, दैट इज इजिप्ट, आपका इजिप्ट हो जाता है 1 नंबर, बेजा इन इजिप्ट 1 नंबर, सी का 1 हो गया। और डी का फिर मतलब आपका लूर जो ग्रुप है बेसिकली समुदाय है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ईरान के अंदर, दैट इज 2, ईरान, लूर इन ईरान। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4-3-1-2 इज द कॉम्बिनेशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे मैच कर सकते हैं। डेंस फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड ऑन द अर्थ, डेंस फॉरेस्ट आपको कहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो जैसे आपकी अर्थ है तो अर्थ पे जो इक्वेटर का एरिया है, मतलब ये जो आपका इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटर पे लगभग इसके आसपास का जो एरिया है बेसिकली दिस एरिया, इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब जैसे बात करें तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नियर इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास में, ठीक है। घने जंगल ज्यादातर पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं, और जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे आपका अमेजॉन फॉरेस्ट है या अमेजॉन फॉरेस्ट रेंज है या अमेजॉन बेसिन है बेसिकली वो आ जाता है यहाँ पर, और एक है कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन, ठीक है। तो ये दो बड़े फॉरेस्ट एरियाज हैं जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज हैं, आपको इसी एरियाज के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है या बेसिकली आप कह लीजिए कि इक्वेटर का जो एरिया है उसके आसपास का इलाका वहां पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्यों मिलते हैं, इसका दो रीजन है, एक है यहाँ पर जो टेम्परेचर है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है इस एरिया के अंदर अच्छा मिलता है, और यहाँ पर जो रेनफॉल है, रेनफॉल जो आपको इस एरिया के अंदर देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है मोर देन 200 mm, 200 mm से ज्यादा की बारिश आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो घने जंगल है वो इस एरिया के अंदर आपको देखने को पाए जाते हैं। विली विली क्या है, देखिए विली विली एक तरीके का ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ साइक्लोन, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये बेसिकली, और जिसे कहा जाता है विली विली। 2015 के दौरान, जनवरी 2015 में दो साइक्लोन जो है बेसिकली एक साथ आए थे कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उनका नाम था दैट इज मुर्शिया, दैट इज मुर्शिया, मुर्शिगा एंड लैम, ये दो नाम के जो साइक्लोन, दो साइक्लोन्स हैं ये बेसिकली जनवरी 2015 में ऑस्ट्रेलिया में एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ विली विली। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज विली विली पूछा था, दिस इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रही थी, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा वर्ल्ड मैप में, आप आंखें बंद करके सोचेंगे तो मैप जो है ऑस्ट्रेलिया आपके भारत के दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको नीचे की तरफ एक महाद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैप्स को आप मैप देखते देखते आप आंखें बंद करके भी इमेजिन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो उससे आपको याद होने में चीज़ों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, ठीक है। करीबा डैम,
इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। देखिए करीबा डैम जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा ऑन द बॉर्डर ऑफ द, बेसिकली अगर जो हम बात करें ये एक तरीके का बॉर्डर लाइन की तरह काम करता है, और ये आपको जाम्बिया जो एक कंट्री है जाम्बिया और साथ में जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे ठीक है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों देशों के बीच में मतलब एक तरीके से एक रिवर बहती है, उस रिवर का नाम है जम्बेजी, जम्बेजी रिवर ठीक है, जम्बेजी रिवर के ऊपर करीबा डैम जो है वो बना हुआ है ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जम्बेजी रिवर के ऊपर क्या है करीबा डैम है, और ये दोनों ये डैम जो है बेसिकली और ये रिवर जो है वो एक तरीके का पार्टीशन का काम करती है, डिवाइड करने का काम करती है, या फिर आप कह लीजिए कि बॉर्डर बनाने का काम करती है, जो कि कहाँ पर है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। ये एक लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड डैम्स में से एक है करीबा डैम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया जम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच हैज द हाइएस्ट परसेंटेज इन द एटमोसफियर, कौन सी चीज सबसे ज्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में एटमोसफियर के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारी गैसेस हैं, बट जो सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो आपको 78% के आसपास जो है वो नाइट्रोजन पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलती है, और इसके बाद नाइट्रोजन के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, ये लगभग आपका 21% के आसपास में देखने को मिलती है इन द एटमॉस्फेयर। और इसके बाद फिर बात करते हैं, देखिए ये आपका नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाद फिर आर्गन हो जाता है, आर्गन देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, फिर नियॉन है, देन हीलियम, नियॉन के बाद हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, देन हाइड्रोजन गैस, तो ये इस तरीके से H2, तो ये इस तरीके से आपको गैस का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो इन दो गैसों का आपको देखने को मिलता है इन द एटमॉस्फेयर के अंदर ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है असंपशन रीजन का, तो देखिए यहाँ पर पूछा है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कनाल, देखिए स्वेज कनाल से रिलेटेड क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था। तो ये स्वेज कनाल जो है दो सागरों को जोड़ता है, वो कौन से हैं, एक है मेडिटेरियन सी और प्लस रेड सी, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम बेसिकली कौन करता है, स्वेज कनाल करते हैं ठीक है। इसके बनने के साथ साथ क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कनाल के साथ साथ भारत की जो दूरी है विद द वेस्टर्न कंट्रीज वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी कि जो स्वेज कनाल है वो एक तरीके से क्या करती है, बाउंड्री लाइन का काम करती है, किसके बीच में, अफ्रीका और एशिया के बीच में, एशिया और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री लाइन का काम करती है। तो अब ये क्या करती है, देखिए अगर जो आप अफ्रीका की बात करें, देखिए ये है आपका अफ्रीका है इस तरीके से ठीक है, अब भारत यहाँ पर है, तो भारत यहाँ पर है तो आपको कोई सामान ले जाना है तो आपको अफ्रीका का पूरा चक्कर काट के फिर आप एशिया यहाँ पे यूरोप की तरफ जाएंगे। अब ये जो आपका स्वेज कनाल है वो यहाँ पर पड़ता है इस जगह पर ठीक है, तो आपका जो सामान है वो यहीं से आपका सीधा डायरेक्टली कहाँ चला गया, यूरोप के कंट्रीज के अंदर चला जाता है। तो जो डिस्टेंस है ये पूरा घूम के आने वाला और ये डायरेक्टली हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो जाती है, तो पहला जो असर्शन है वो तो करेक्ट हो जाता है। स्वेज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी, बिल्कुल ये बात भी सही है, अभी हमने बात करी, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि दो पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उन दोनों पोर्ट का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार हो सकता है पूछा जाए। तो एक पोर्ट होता है जो कि आपका साउथ के हिस्से में देखने को मिलेगा, साउथर्न पार्ट के अंदर पोर्ट है जिसका नाम है टिवोक लाइक, ये जो पोर्ट है बेसिकली आपको साउथ में देखने को मिलेगा साउथ एंड की तरफ, और नॉर्थ एंड की तरफ जो पोर्ट है नॉर्थ वाला उसको कहते हैं सेड, SAID सेड पोर्ट ठीक है। तो ये पोर्ट के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ये किसके एंड पॉइंट्स हैं, स्वेज कैनाल के नॉर्थ पॉइंट, एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा पर्शियन गल्फ के बीच में एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच के मध्य आपको देखने को मिलेगा हुर्मुज स्ट्रेट ठीक है, जल ठीक है, होमर्स
स्ट्रेट इज फाउंड बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है. तो देखिए, ब्राजील करंट जो है ये आपका साउथ एटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है. बिल्कुल ये सही है, आपका करेक्टली मैच्ड है. होमबोल्ट करंट की जब हम बात करते हैं तो ये होमबोल्ट करंट, आपको होमबोल्ट करंट का एक और नाम है, इसे और कहा जाता है आपका, दैट इज पुरुवियन करंट के नाम से भी इसे जाना जाता है, होमबोल्ट करंट को. और ये आपका कोल्ड करंट्स होती हैं, बेसिकली दीज आर द कोल्ड करंट्स. एक हॉट करंट्स होती हैं और एक कोल्ड करंट्स होती हैं. तो ये आपकी क्या है, कोल्ड करंट होती है जो आपकी वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, देखिए जो दक्षिणी अमेरिका की हम बात करें तो ये वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ होता है, जो इस तरीके से आपका जहाँ अर्जेंटीना वगैरह आपको देखने को मिलेगा देश, तो यहाँ पर इस तरीके का जो कंट्री है, मतलब साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है, ये इसकी वेस्टर्न कोस्ट में, मतलब ये वाला इस तरफ में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, हम्बोल्ट करंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है. ठीक है, दिस इज अ कोल्ड करंट. तो ये आपका यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक. नॉर्थ पैसिफिक तो आपका देखिए ये आपका इधर में आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, तो नॉर्थ पैसिफिक तो यहाँ पर बन जाएगा ना, तो यहाँ तो बनेगा नहीं. ठीक है, सॉरी इस तरफ में, तो यहाँ नॉर्थ पैसिफिक तो बनेगा नहीं. ठीक है, यहाँ पे साउथ पैसिफिक हो गया. तो ये वाला आपका करंट क्वेश्चन क्या हो जाता है, ऑप्शन गलत हो जाता है. तो इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट हो गया, दैट इज ख ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन. बाकी गल्फ स्ट्रीम आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर देखने को मिलेगा. नॉर्थ अटलांटिक कहाँ पर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन. और फिर ये है अगुलास धार जो है, अगुलास करंट जो है, ये आपको इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलती है. तो बाकी करेक्ट है, बट इनकरेक्ट पूछा था, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा गया है. तो देखिए यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन अरोविली, ये आपका पौंडीचेरी के अंदर है प्लेस. ये नेक्स्ट ऑप्शन है बैकोनोर बेसिकली जो है ये यूक्रेन के अंदर रही है. दिस इज इन द, अगर जो हम बात करें बैकोनोर जो है आपको अरल सागर जो है वहां पर देखने को मिलेगा, ईस्ट ऑफ द अरल सागर में, दैट इज अरल सागर जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा. और ये कहाँ पर स्पेसिफिकली की हम बात करें तो ये देखने को मिलेगा कजाकिस्तान के अंदर. ठीक है, कजाकिस्तान, ना कि यूक्रेन के अंदर. ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये बेसिकली क्या है, एक प्लेस जो है, ये प्लेस है आपका दुनिया का सबसे पुराना और एक बड़ा लॉन्चिंग स्टेशन है, स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ये जो अगला पॉइंट है बंगडुंग, ये आपको इंडोनेशिया के अंदर मिलेगा, और बट्टीकोला दैट इज इन श्रीलंका. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. मैगिनॉट लाइन, देखिए मैगिनॉट लाइन जो है ये किन दो देशों के बीच में कनेक्ट करती है, तो बेसिकली ये एक आपका बाउंड्री लाइन होती है जो कि आपकी देखने को मिलेगी बिटवीन द बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में. तो मैगिनॉट लाइन का जो जर्मनी एंड फ्रांस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे कहते हैं मैगिनॉट लाइन. एंड यहाँ पर हम बात करें जर्मनी एंड पोलैंड के बारे में, ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बारे में, तो इन दोनों की जो बॉर्डर लाइन है उसे कहा जाता है दैट इज द हिंडनबर्ग लाइन. ठीक है, दिस इज द हिंडनबर्ग लाइन इज कॉल्ड फॉर द जर्मनी और पोलैंड के बीच में. अमेरिका और कनाडा को जो अलग करती है, सेपरेट करती है, उस लाइन को कहते हैं 49th parallel. ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस एंड जर्मनी को अलग करने वाली जो बॉर्डर लाइन है दैट इज कॉल्ड एज अ मैगिनॉट लाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लैंड लॉक कंट्रीज. अब देखिए यहाँ पर देखिए चार देशों के नाम लिखे गए, अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया एंड स्विट्जरलैंड. अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी होती है. लैंडलॉक कंट्रीज वो कंट्रीज जिनका कोई भी हिस्सा समुद्र के साथ में या ओशन महासागर किसी के साथ में भी टच ना हो, कम्प्लीटली पैक्ड हो विद द सराउंडिंग लैंड के साथ में. ठीक है, जैसे कि अगर जो हम बात करें फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम सिंपली समझना चाहें तो नेपाल. ठीक है, जो नेपाल कंट्री है, नेपाल भारत के ऊपर, नेपाल, तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है. ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है, दैट इज इसके चारों तरफ पहाड़ है, लैंड है, बट कहीं भी ओशन नहीं है, किसी भी समुद्र के साथ में कोई भी इसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती. जैसे इंडिया है, इंडिया के तीन तरफ जो है नीचे की तरफ आपका
पेनिनसुला देखने को मिलता है, दैट इज तीन तरफ में आपको पानी देखने को मिलेगा, हिंद महासागर इंडियन ओशन आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान एक आपकी कंट्री है जो ये बेसिकली लैंडलॉक कंट्री है। इसका बॉर्डर जो है वो पूरा एक तरफ से, अगर जो हम बात करें अफगानिस्तान की, तो एक तरफ इसके अफगानिस्तान के आपको देखने को मिलेगा ईरान, एक तरफ आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसके नॉर्थ की तरफ आपको कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये सब कंट्रीज आपको देखने को, अजरबैजान, आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, बात करें अगर जो फिर हम हंगरी की, ठीक है, हंगरी हंगरी और जो ये स्विट्जरलैंड है, ये दोनों कंट्रीज जो है बेसिकली ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, दिस इज इन द यूरोप, यूरोप में, कि हंगरी किसकी कैपिटल है, हंगरी कैपिटल है किसकी, जर्मनी की, और जर्मनी जो है एक तरीके का लैंडलॉक कंट्री है, और स्विट्जरलैंड इज आल्सो अ लैंडलॉक कंट्री इन द यूरोप। मलेशिया जो है, मलेशिया मलेशिया एक कोस्टल वाइड है, इसके अंदर मतलब कोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे भारत में कोस्टल लाइन्स है, तो यहाँ पर कोस्टल लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी मलेशियन के अंदर, मलेशिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक हैं, दैट इज द अफगानिस्तान, हंगरी एंड स्विट्जरलैंड, दैट इज 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के जो लैंडलॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए आपको मैप अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, हर एक कंट्री का नहीं हो सकता है, बट हाँ जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनके नाम से आपने सुने हुए हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं, उनको ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर लाई करती है। स्पेशली अगर जो हम बात करें अभी करंट सिनेरियो में, तो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपको रशिया के बॉर्डर के साथ कौन कौन से कंट्रीज लग रही हैं, और यूक्रेन के आसपास का जो भी एरियाज है, जो भी कंट्रीज हैं, पोलैंड है आपका, हंगरी है, जर्मनी है, बेसिकली सब जो जितने रोमानिया वगैरह हैं, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पर है। इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वॉर कंडीशन, ठीक है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इसराइल शेयर इट्स बॉर्डर, इसराइल किन देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। जब हम बात करते हैं, देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जो यहूदी संप्रदाय है या यहूदी जो प्रजाति है, समूह है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, वो आपको देखने को मिल रहा था इसराइल के अंदर, ठीक है। और इसराइल से एक बहुत ही फेमस चीज़ मेरे को ध्यान आती है कि जो मोजैक है वहाँ की, मोजैक तो ये क्या है, वहाँ की सीक्रेट सर्विस है, खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत की रॉ है, आईबी है, उस तरीके की यहाँ पे मोजैक है जो वर्ल्ड लेवल पर अपना स्टैंडर्ड रखती है। तो इसराइल जो है किन किन देशों के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसराइल जो है अपना एक तरफ आपके इसराइल के चारों तरफ में एक जॉर्डन आपको देखने को मिलेगा, जॉर्डन के साथ सीरिया है, और लेबनान आपको देखने को मिलता है, और इजिप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इजिप्ट देखने को मिल रहा है, तो ये आपको कंट्री आपके साथ ऑप्शन में आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, इन कंट्रीज के साथ में ये ज्वाइन करता है। अब बात करें अगर जो हम इसराइल की स्थापना कब हुई थी, ये देश कब बना था, ये बना था 18 मई 1948 को, ठीक है। हमारा देश जब बना है 47 में, तो उससे मतलब देश तो हमारा बहुत पहले से है, बट जो इंडिपेंडेंस मिले थे उसके एक साल बाद लगभग आप ये कह सकते हैं कि इस देश की जो है वो नींव बनी थी। अब ये बेसिकली दिस इज जो इसराइल है, ये एक पार्ट है किसका, फिलिस्तीनियन का, फिलिस्तीन बेसिकली जिसे कहा जाता है उसका हिस्सा है, वहाँ से अलग होकर ये इसराइल एक देश बना है। इसकी जो 16% आबादी है, 16% ऑफ पॉपुलेशन इस कंट्री की, वो अरब कम्युनिटी की है, ठीक है, अरब कम्युनिटी की है। और इसका जो इसराइल है, इसराइल का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आपका मेडिटेरियन सी के साथ मिला हुआ है, लगता है मेडिटेरियन सी वही जहाँ से सुएज कैनाल आपकी फ्लो हो रही थी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे सेट नंबर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। वैसे ज्योग्राफी थी तो शायद मुझे मैप्स डालने चाहिए थे, बट मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे ज्योग्राफी के तो वहां पर मैं मैप डाल दूँ। इस क्वेश्चन में नहीं डाल पाया था, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।